जय श्री राधा माधव। लगन के लिए, तत्परता के लिए एक युक्ति है। वह यह है कि नींद खुलते ही हृदय से श्री प्रिय प्रियतम से निवेदन करें कि अब जीवन तुम्हारे हाथ में है, और फिर एक काम करें, एक रुमाल बराबर पास रखें, उसमें गांठ बांध दें। गांठ देते समय यह पद गाते रहें, नंदलाल सुमोरो मन मानियो, कहा करेगो कोई री, हो तो चरण कमल लपटानी, और होनी होए सो होए री। यह पढ़कर गांठ बांध लें और जहां जाएं, जहां बैठें, रुमाल को सामने रख लें। बार बार मन ही मन निश्चय दृढ़ करते रहें, हमें यही करना है। चाहे सारा संसार जल जाए, नष्ट हो जाए, पर हमें यह एक ही काम करना है। दिन भर वह गांठ सामने रखें, प्रातःकाल फिर उठें, उसे खोलें, खोलकर फिर पद गाते हुए बांध दें। इससे बड़ी सहायता मिलती है। किसी को पता भी नहीं चलता कि गांठ किस लिए है, रुमाल है, किसी काम के लिए गांठ दी हुई होगी अथवा कोई चीज बांधी हुई होगी, लोग यही समझेंगे, पर वह सामने हाथ में सदा पड़ा रहे, जहां गए हाथ में लेकर बैठे रहें। इससे प्रीतम के साथ आप घुल मिल जाएंगे। जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नहीं, प्रेम गली अति साकरी, अरे तामे दो न समाई, प्रेम न बाड़ी नीप जे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा पर जा जे ही रुचे, सीस दे ले जाए। अरे कबीरा खड़ा बाजार में, लिया लकुठी हाथ, जो घर फूके आपनो, अरे तो चलो हमारे साथ, प्रेम पंथ अति बिकट है, देखत भांजे लोग, काउक बिरले चली सके, जिन त्यागे सब भोग। बिल्कुल संसार की दृष्टि में निकम्मा हो जाना पड़ता है, तब रास्ता तय होता है। फिर तो एक से एक युक्ति सूझने लगेंगी। सोचिए, एक दिन तो सब छूटेगा ही, फिर इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी कि हम ऐसे नश्वर पदार्थों के पीछे अनमोल जीवन को व्यर्थ खो दें। पर खोते ही हैं। विषय अनादिकाल से मन में धसे हुए हैं, और मन एक बार भी भगवान में नहीं फंसा। नहीं तो जिस दिन फंसा कि बस विषय स्वाहा हो जाएंगे। ललित किशोरी जी पहले करोड़पति थे, पर जब वैराग्य हुआ और प्रिय प्रियतम का रंग चढ़ा, तब उन्होंने गाया, बन बन फिरना बेहतर हमको, रतन भवन नहीं भावे हैं, लता तरे पड़ रहने में, सुख ना ही सेज सुहावे है। इस पर सबको जीवन में उतारने से ही काम बनता है, बात करने से नहीं। जय श्री राधा माधव।